हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। आज है संडे, तो भाई सब संडे सेलिब्रेट कर रहे हैं हम घर पे। ठीक है, अभी बज रहे हैं दोपहर के 12:30। आज बाइक की सर्विस थी, टाइम नहीं मिल पाया तो छोड़ दिया जाना, अगले हफ्ते करवाएंगे, क्योंकि यार टाइमिंग बहुत ज़्यादा उनका होता है। ठीक है, और इस बार मेरे को कॉल भी नहीं आई सेकेंड सर्विस के लिए। इस चीज़ के लिए मैं रिस्पॉन्सिबल नहीं हूँ, इस चीज़ के लिए बाइक जो बजाज वाले हैं वो रिस्पॉन्सिबल होने चाहिए। मैंने उनको बोला भी था कि आपकी तरफ से मेरे पास कोई कॉल नहीं आई, उन्होंने बोला 4,500 या 4,000 किलोमीटर पे सेकंड सर्विस होती है। ठीक है, बट एज़ पर द बुकलेट ऑफ सर्विस बुक उसमें 5,000 किलोमीटर लिखा हुआ है। ठीक है, 6 महीने या फिर 5,000 किलोमीटर पे, देखते हैं। आज तो मेरे पास टाइम नहीं है, अगले हफ्ते ही करवाएंगे। ठीक है, तो अगले हफ्ते जो सेकंड सर्विस करवाएंगे, अगर वहाँ पे वो लोग अलाउड करते हैं तो आपको ज़रूर वीडियो मिल जाएगी, अगर नहीं अलाउड करेंगे तो नहीं भी मिलेगी। काफ़ी टाइम से वीडियो नहीं आ रही थी, इसलिए सोचा चलो आज से ब्लॉग शुरू करते हैं और आप एंटरटेनमेंट शुरू करते हैं, है ना। और आप लोगों को हमारी दिल्ली से जयपुर वाली वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, और अगर आपने नहीं देखी है तो देख लेना जाके। वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करना ताकि हमारे को और अच्छा सपोर्ट मिल पाए। ठीक है, और जल्दी से यार 1,000 सब्सक्राइबर करवा दो। कब तक, अभी मेरे 870 हैं, 870 हैं, तो मेरे को 140 और चाहिए ताकि मेरा फर्स्ट माइलस्टोन जो है वो कम्प्लीट हो पाए। 1,000 कम्प्लीट होने के बाद सीधा टारगेट रखेंगे 1,00,000 का, फिर रखेंगे 10,00,000 का, मतलब कि 1,000,000,000 का। ठीक है, प्रॉब्लम यह है कि मेरी वीडियो ना यूट्यूब जान के रिकमेंड नहीं कर रहा। मैं वीडियो डालता भी हूँ तो वो इंप्रेशन ही नहीं भेजता। इंप्रेशन मतलब कि अगर मैं जैसे वीडियो अपलोड कर रहा हूँ, अपलोड करने के बाद आप लोगों के पास वो वीडियो जानी चाहिए, बट वो नहीं जा रही है। या तो आप लोगों ने मेरा आपने चैनल मेरा सब्सक्राइब कर रखा है और बेल नोटिफिकेशन नहीं दबाया, तो आपको वीडियो नहीं मिल पाएगी। ठीक है, तो आप लोग ये ज़रूर चेक कर लेना कि बेल नोटिफिकेशन जो है वो आपका प्रेस्ड हो। ठीक है, ताकि जो भी मैं वीडियो अपलोड करूँ नहीं उसकी नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुँचे। तो भाई, ये मेरा सैमसंग वाला फ़ोन था, सैमसंग वाला M31 मैंने बाइक को दे दिया। ठीक है, अभी करते हैं इसमें से जो इसने ऑर्डर करने के लिए रखा था वो सामान देखते हैं। एक्चुअली हमने ब्रेकफास्ट अभी ढंग से करा नहीं है, तो ब्रेकफास्ट करने के लिए जो भी सामान चाहिए वो ऑर्डर करते हैं। तो फाइनली गाइस, अभी बज रहे हैं 1 बजने वाले हैं। ठीक है, और ऑर्डर जो है हमने कर दिया है, अराइविंग इन 14 मिनट्स, मतलब 14 मिनट में हमारा ऑर्डर जो है वो आ जाएगा। और आप UI देख सकते हो कितना अच्छा UI है। मैं एक्चुअली फुल स्क्रीन नहीं दिखा सकता क्योंकि इसमें मेरे घर का एड्रेस दिया हुआ है। ठीक है, 10 मिनट, चलो चलने रहना। तो फाइनली गाइस, जो हमारा जो सामान था, जो ऑर्डर था, टाइम पर आ गया। अभी करते हैं ब्रेकफास्ट, फिर मिलते हैं आपसे थोड़ी देर बाद। तो फाइनली गाइस, अभी बज रहे हैं 5:00 और थोड़ी देर रेस्ट करा। और यहाँ पर आ चुका है अपना खाना, दाल रोटी अचार और एक छोटी सी प्यारी सी मिर्च। क्या हो गया, क्या हो गया, खाना खाओ। तो फाइनली गाइस, अभी बज रहे हैं 7:30 और चाय नाश्ता जो है हमने कर चुके हैं। और ये मैडम देखो इंडिया गेट की वीडियो देख रही है, क्योंकि इंडिया गेट ओपन हो गया। आप लोगों को पता ही होगा अगर आप दिल्ली में रहते हो, तो इंडिया गेट ओपन हो चुका है। एंड हाँ, हम भी जाकर देखेंगे, बहुत जल्द देखेंगे और आपको पूरा एक्सप्लोर करवाएंगे इंडिया गेट के अंदर का, अगर ओपन होगा हमारे लिए तो। ठीक है, पूरा रोड का सीन दिखाएंगे, क्योंकि वहाँ पर नए रोड भी बने हैं अंदर जाने के लिए, प्लस इंडिया गेट के अंदर भी काफ़ी अच्छा उन्होंने रेनोवेट करा है। तो जैसा भी होगा एक बार ही विजिट ज़रूर करेंगे, हो सकता है कल जाएं, हो सकता है परसों जाएं, लेकिन जब भी जाएंगे आपको ब्लॉग में पता चल ही जाएगा। बट हाँ, जाएंगे ज़रूर और इसी वीक में जाऊँगा ज़रूर। क्यों, बोल ये रही। इसकी तबीयत ठीक हो जाए फिर लेकर जाऊँगा इसको, बाइक पर जाऊँगा। यहाँ बन रही है अपनी रोटी और सब्जी, इसको देखो क्या हो गया, रोटी बना रही है मैडम। तो चलो खाना वाना खाते हैं, फिर सुबह जाना है ऑफिस, तो टाइम से रेडी होना चाहिए। वही टाइम से खाएंगे तभी तो सोएंगे, समझ रही है, नहीं समझी। ये आईफोन से शूट कर रहा हूँ मैं, तो क्लैरिटी काफ़ी अच्छी है। एप्पल की ये चीज़ें काफ़ी अच्छी है कि कैमरे जो होते हैं ना सही क्लैरिटी देते हैं। अब देखो बैकग्राउंड इग्नोर करना। तो मान लिया गाइस, अभी बज रहे हैं 9:30। ठीक है, और पूरा दिन जो था हमने रेस्ट करा, इसी तरीके से हमारा संडे बीतता है कभी कभार, मतलब जब सिंगल संडे हमें छुट्टी मिलती है तो कभी कभार हम ऐसे ही इंजॉय करते हैं पूरा दिन, मतलब कि रेस्ट वगैरह करते हैं, खाना वाना खाते हैं और दिन निकल जाता है। तो उसी तरीके से आज का हमारा दिन निकला। अभी 9:30 बज रहे हैं और अंदर बन रहा है खाना, तो चलो आपको दिखाते हैं अंदर का व्यू। तो खाना जो है गाइस हम खा चुके हैं, ये पॉपकॉर्न, ये दाल रोटी।
फाइनली गाइस अभी हम आए छत पर, ठीक है, और काफ़ी अच्छी हवा चल रही थी तो सोचा थोड़ी देर छत पे वॉक कर लेते हैं, और वहाँ पर आपको देख रहे हैं चंदा मामा सॉरी, और बाकी सब लोग भी आना शुरू हो गए हैं, देख सकते हो मज़ा आता है रात को छत पे टहलने पे अगर मौसम अच्छा हो, हवा चल रही हो तेज। चलो थोड़ी देर टहलते हैं फिर चलते हैं अपना नीचे सोने के लिए। और ये देखो वह क्या हो गया, हमारा तिरंगा झंडा मस्त तरीके से उड़ता हुआ, उस पर लाइट जलनी चाहिए थी, और हमारी लाड़ो खड़ी होगी। हाँ यहाँ पर ऊपर को रहने आया, किराए पर चढ़ कर लगता। अभी आपको गली का हाल दिखाते हैं, गली में क्या चल रहा है। दो दो घर बन गए हमारी गली के अंदर। सोने का टाइम तो हम सोएंगे 10:30 रात के, ठीक है। तो आज की वीडियो आपको कैसी लगी, छोटी सी शॉर्ट सी, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। और गर्मी यार काफ़ी ज़्यादा हो रही है, और दिल्ली में तो मौसम का भी मैंने आगे देखा था कि कमिंग वीक में बारिश कुछ होने वाली है हल्की हल्की सी। तो जैसा भी होगा वो तो आपको पता चल ही जाएगा कि बारिश होगी कि नहीं होगी, बट यार गर्मी इतनी ज़्यादा पड़ रही है, जैसे मई जून की गर्मी होती है ना, इतनी ज़्यादा ह्यूमिडिटी है बहुत ज़्यादा। और इसको देखो खाना खा रही है आराम से बैठ के। चले करें इस ब्लॉग को समाप्त, फिर मिलते हैं आपसे एक नए ब्लॉग में। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। फिर मिलते हैं आपसे एक नए ब्लॉग में, धन्यवाद।